छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। अंतागढ़ में भाजपा ने विधायक कार्यालय और जनपद पंचायत का घेराव कर दिया है। बताना चाहेंगे कि सोलर लाइट भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, जिसमें 2021 में ग्राम पंचायत बोंदानार में ही खनिज न्यास निधि में 30 नग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसकी पूरी राशि ठेकेदार ने अहरण कर ली है। बताना चाहेंगे कि 2 साल बाद ही जब तक उसका खुलासा नहीं हुआ है, तो ठेकेदार ने आनन फानन में 29 नग सोलर लाइट लगवाती है। इसके बीच ही विधायक अनूप नाग और पूर्व विधायक विक्रम द्वारा ही इसके बीच में जमकर विरोध प्रत्यारोप लगातार जारी था। विक्रम ने बताया है कि 8 से 10 हजार की स्ट्रीट लाइट को 48 हजार का बताया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि कार्य में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ सभी हमारे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वरिष्ठ लोगों के साथ में आकर के यहाँ पर जो डीएमए फंड से जो खनिज न्यास निधि के माध्यम से जिस प्रकार के यहाँ जो एक है अनुशंसा से अधिकतर करके कांग्रेस के पदाधिकारियों को ही बोर खनन के लिए स्वीकृति मिली है, उसके साथ साथ अन्य जो उनके कार्यकर्ताओं को ही जारी किया गया, इस बात को लेकर वो सीमांत कृषक गरीब किसानों को मिलना चाहिए था डीएमए फंड से, इस सबके जाँच के लिए हमने एक आवेदन किया है। इस मामले में पूरी जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर विस्तृत रूप से जिस प्रकार गरीबों को इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो खास करके जो सक्षम लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के नेता ही इस बात का इसका लाभ उठा रहे हैं, जिनको ये लाभ मिला है, जो इनके खेतों में बोर खनन, इसकी पूरी विस्तृत जांच करके जो भी उसे